आप एक एरोमेटिक वनस्पति देख रहे हैं जिसको जम्मू में ट्रिपल आईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने इतना पॉपुलर किया हुआ है कि किसानों को भी अब ये नाम याद हो गया। वो बोलते हैं लेवेंडर, और वनस्पति शास्त्र बॉटनी में सही नाम है इसका लेवेंडुला ऑप्शनलिस या लेवेंडुला अंगस्टिफोलिया। और ये जो पुदीना परिवार का ही प्लांट है, और आप फूल देख रहे हैं, इसके फूल में हल्की बैंगनी रंग है, और जो पत्तियां हैं, पत्तियां एक जगह से अगर आप ध्यान देंगे तो एक जगह से दो दो पत्तियां निकलती हैं जोड़ों जोड़ों में, जो पुदीना परिवार का लक्षण है। और ये दोनों पत्तियां जो लीनियर है, लीनियर का मतलब भालाकार है, लंबी है। और इन पत्तियों में एक और चीज आप देख रहे हैं, अगर गौर करेंगे तो थोड़ा सा ग्रेइश रंग है, थोड़ा सा सफेदी लिए हुए इसकी पत्तियां हैं। और पत्तियों को अगर आप थोड़ा सा तोड़ करके मसलेंगे तो आपको एक खुशबू महसूस होती है, अरोमा लेवेंडर की। और इसके फूलों की जो खुशबू है वो इतनी ज़बरदस्त खुशबू है कि अगर आप इसके फूलों को सुखा भी दें और कहीं पे भी सूखे हुए फूल रख दें तो कम से कम साल तक इसके फूलों की खुशबू जाती नहीं। तो इसको ड्राई डेकोरेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके जो हैं जिनको नींद नहीं आती है, उखड़ी उखड़ी नींद आती है, और उनकी एक ट्रैंक्विलिटी, एक बड़ी काम स्लीप के लिए भी इस लेवेंडर को काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है। तो इसकी खेती से अभी मेरे साथ डायरेक्टर फ्लोरिकल्चर रहे हैं के शर्मा जी, ये बता रहे हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन प्रोवाइड करता है लोगों को नो हाउ टेक्निक्स, और प्लांट्स भी मुहैया करता है। और उसके बाद जब इसका तेल निकालने की बारी आती है तो डिस्टिलेशन प्लांट भी जी अपना मुहैया करते हैं, और उससे जो इंटरनेशनल मार्केट में जो लेवेंडर ऑयल है वो इतना महंगा बिकता है, मैं सोच रहा था कि शायद 5-6 हज़ार पर लीटर होगा, लेकिन के शर्मा जी कह रहे हैं कि 10,000 लीटर तेल जो है, और या उससे भी कुछ, वो क्वालिटी पे डिपेंड करेगा, तो उसका जो तेल जो है वो निकलता है लेवेंडर ऑयल। एक और प्लांट है, ये ऐसा ही वो दिखता है, तो कई लोग जो हैं, ये दूसरा एक प्लांट है मेरे हाथ में जिसको रोजमेरी कहते हैं। तो रोजमेरी, रोजमेराइनस ऑफिसिनेलिस बोटानिकल इसकी आइडेंटिटी है। हैं तो दोनों एक ही परिवार के, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? हैं तो इसके भी पत्ते वही हैं, अपोजिट, दो दो निकल रहे हैं एक जगह से। तो थोड़ा सा इसके पत्ते में ग्रेश पन जो है ना, जो एक सफेदी पन जो है वो कम है, ये पत्ता जो है हरा ज्यादा रहता है, सब्ज की तरफ इसका ज्यादा झुकाव रहता है। और उसके मुकाबले में अगर हम लेवेंडर को देखते हैं, थोड़ा सा ग्रेश व्हाइट इसका वो रहता है कलर। और इसके स्टेम को भी अगर आप देखेंगे तो वो भी ग्रीनिश पे है, इसकी स्टेम में भी एक ग्रेश पन है। तो एक तो ये फर्क है, दूसरा इसके जो फूल होते हैं थोड़े से गुलाबी, हल्का गुलाबी रंग लिए हुए उनका वो रंग होता है, लेकिन उसके मुकाबले में इसके जो हैं गहरे नीले या बैंगनी रंग के फूल होते हैं। तो ये जो है बुशी प्लांट हो जाता है, बुशी प्लांट वो भी होता है। और दोनों प्लांट्स, चाहे लेवेंडर है चाहे ये वाला रोजमेरी या रोजमेराइनस ऑफिसिनेलिस, इनको कॉस्मेटिक्स में, सौंदर्य प्रसाधन में, कई किस्म के कीमती हेयर ऑयल्स में भी यूज़ किया जाता है। और दोनों की पत्तियों को ड्राई करके पाउडर बना के हम हर्बल टीज में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इतने बेहतरीन जो सुगंधित पौधे हैं, सुगंधित क्रॉप फसलें हैं जो हमको लगानी चाहिए, उगानी चाहिए, तो सबसे पहला कदम जो है सभी के लिए वो है सही पौधे की पहचान। और फिर दूसरा स्टेप है ये पौधे जो है मल्टीप्लाइड कहाँ से मिलेंगे, तो वो भी स्रोत आपको पता। फिर इसका सही लगने का वक्त जो है, अभी तो इसका वक्त नहीं है लगने का, यूं ही बरसात आएगी उसके बाद आप इसको रोपित कर सकते हैं। और ये पहाड़ी क्षेत्र में भी, जैसे पहलगाम हो गया, भद्रवाह हो गया, उसके लिए ये फिट क्रॉप है। हालांकि जो लोअर मैदानी क्षेत्र हैं वहाँ के लिए इतना ज़्यादा फिट नहीं है, लेकिन अभी ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन है, ये जम्मू के इस परिसर में भी लगाया हुआ है शायद ये एक्सपेरिमेंट तौर पे, और ये देखेंगे कि इसका ऑयल जो है वो कितना रिच निकलता है, और फाइटोकेमिकल एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे जो वनस्पतियां हैं इनकी तरफ भी मुझे लगता है हमारे किसानों को आना चाहिए।